Let's start reading and discussing 52nd problem. Figure show a light rod of length L rigidly attached to a small heavy block at the end and a hook at another end. Is jagah par ek mass hai aur is jagah par ek hook hai. This length L. Then the system is released from rest with a rod in horizontal position. There is a fixed smooth ring at a depth h. Isse h niche idhar we have got a ring. Aur ho yah raha hai ki yah isme jaakar aise atak jayega aur and the hook gets into the ring as it reaches there. What should be minimum h so that block moves in a complete circle about the ring? Ab iske baad yaha ek circle pura complete kar jaye aur waha par ultimately aisi situation ban jaye. Yaha situation बन जाए. ऐसी सिचुएशन यदि बनेगी तो वहां कंप्लीट सर्कल अवश्य करेगा. फ्रॉम हियर अब देखिए हम कहते हैं स्मूथ रिंग है, कहीं भी एनर्जी का कोई नुकसान हो ही नहीं रहा. यदि वह इस तरह से टकराने के बाद फिर वो सर्कुलर मोशन में गया और इधर तक पहुंचने में भी सफल हो गया तो कंप्लीट सर्कल करेगा. मैं कहता हूं इस जगह पर जो भी कुछ हाइट एच है इट्स potential energy is mgh. वही इस जगह आते आते kinetic energy बनेगी. इस जगह पर यदि velocity भी है that would be equal to half mv square. और फिर यह इस तरह से घूमने लगा. इस तरह से घूमते हुए जब वो topmost point पर पहुंचेगा तो वंस अगेन इस जगह पर वेलोसिटी भले ही जीरो हो जाए क्योंकि रॉड है लेंथ एल इट्स इक्वल टू एम जी एल और काइनेटिक एनर्जी जीरो है. मैं तो कहूंगा एच मस्ट बी इक्वल टू एल. बस इस जगह पर यह बात समझना बहुत जरूरी है कि इनिशियली इस कंडीशन पर इसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है. मैंने इसे रेफरेंस मान लिया. यदि मैं इसे रेफरेंस मान लेता हूं तो इधर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बचेगी. और फिर यह एक रॉड है. यह रॉड नीचे तक ऐसे घूमती हुई इधर तक जब गई तो सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए नाउ दिस इज नॉट अ थ्रेड दिस अ रॉड. सर्कुलर मोशन करने के लिए इस पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो भी हो बस इस पॉइंट तक घूमते हुए पहुंच जाए तो सर्कुलर मोशन कर लेगी क्योंकि ये रॉड है इट्स नॉट अ थ्रेड. तो इस जगह पर सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए उसे इस जगह तक पहुंचना है
और इस जगह तक पहुंचकर, इस टॉपमोस्ट पॉइंट तक पहुंचकर, भले ही इसकी वेलोसिटी जीरो हो, उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो। दिस इज जस्ट टू कंप्लीट द सर्कुलर मोशन। हम कहते हैं सर्कुलर मोशन हर उस कंडीशन में होएगा इफ दिस इनिशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन दिस एमजीएल प्लस जीरो और इफ दिस एच इज ग्रेटर देन एल और इक्वल टू एल। एच ग्रेटर देन इक्वल टू एल के लिए वहां सर्कुलर मोशन हमेशा कंप्लीट होएगा। ये मैंने इक्वल टू जीरो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हो गया एमजीएल। अब हम 56th प्रॉब्लम करेंगे। 56th प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ना चालू करते। Let's start reading 56th problem. A bob of stationary pendulum is given a sharp hit to impart at horizontal speed of under root 3 gl. Find the angle rotated by the string before it becomes a slack. देखिए यह है, अब इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यह वेलोसिटी दी, यह इस तरह से सर्कुलर मोशन करते हुए इस पॉइंट तक पहुंचती है और इस पॉइंट तक पहुंचने के बाद स्ट्रिंग स्लैक हो जाती है। लेट अस से वर्टिकल से किसी एंगल थीटा पर यह स्ट्रिंग स्लैक हो जाती है, वर्टिकल से किसी एंगल थीटा पर यह स्ट्रिंग स्लैक हो जाती है। अब व्हाट इज द कंडीशन ऑफ स्लैकिंग ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के स्लैक होने की कंडीशन क्या होगी, हम इस बात को सबसे पहले देखेंगे। द कंडीशन फॉर स्लैकिंग ऑफ स्ट्रिंग वुड बी द टेंशन मस्ट बिकम जीरो। इस पॉइंट पर टेंशन जीरो हो जाना चाहिए। टेंशन जीरो कैसे होएगा, ध्यान से समझना। सबसे पहले एनर्जी कंजर्वेशन हम लगाते, इसको मैं इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट बोल देता हूं और इस पॉइंट पर मैं इसकी वेलोसिटी कुछ वी बोल देता हूं। इस पॉइंट पर इसकी कुछ वेलोसिटी वी। अब एनर्जी कंजर्वेशन से वी नॉट और V को रिलेट करा जा सकता है। हम कहेंगे इसे रेफरेंस पॉइंट मान लें, इसे रेफरेंस पॉइंट मान लेने से इधर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई और काइनेटिक एनर्जी हो गई V नॉट स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी इधर जीरो है, काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ एम वी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी हो गई एम जी। अब हाइट कितनी है जरा देख लें, दिस इज एल एंड दिस इज एल कॉस थीटा, एल प्लस एल कॉस थीटा थ्रू आउट एम कैंसल्ड, वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस टू जी एल इन टू वन प्लस cos theta और मैं v not square की जगह 3gl लिख दूं, 3gl is equal to v square plus 2gl plus 2gl cos theta, मैं gl minus 2gl cos theta equal to v square। यहां इस पॉइंट पर वेलोसिटी स्क्वायर हो गई वी स्क्वायर इक्वल टू जी एल इन टू वन माइनस टू कॉस थीटा। अब यह तो मैंने
एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाकर किसी भी एंगल थीटा पर इसकी वेलोसिटी डिटरमाइन कर लिए। अब मैं कहता हूं एक फोर्स इस पर mg इस तरह से लगेगा और एक फोर्स इस पर लगेगा सिंस इट्स इन सर्कुलर मोशन एट एनी टाइम mv स्क्वायर बाय l सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन द नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम ऑफ पार्टिकल इटसेल्फ और एक इधर टेंशन p। यह फोर्स है। अब इसमें मैं mg को रिजॉल्व कर देता हूं। इफ दिस एंगल इज थीटा दिस एंगल वुड बी थीटा तो यह फोर्स हो जाएगा mg cos थीटा और इधर यह फोर्स होएगा mg sin थीटा। अब मैं टेंशन के लिए इक्वेशन लिख देता हूं p प्लस mg cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय l और t वुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय l माइनस mg cos थीटा। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा है लेट मी रीड इट वंस अगेन। मुझे एक बार क्वेश्चन को एक बार ध्यान से और पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हमसे पूछा क्या गया है। पूछा फाइंड द एंगल रोटेटेड बाय द स्ट्रिंग बिफोर इट बिकम्स स्लैक। स्लैक होने से पहले वह स्ट्रिंग कितना रोटेट करेगी। तो फॉर स्लैकिंग ऑफ स्ट्रिंग फॉर स्लैकिंग ऑफ द स्ट्रिंग स्ट्रिंग के स्लैक करने के लिए टी मस्ट बिकम जीरो। टेंशन जैसे ही जीरो हो जाएगा स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगी। सो mv स्क्वायर बाय l माइनस mg cos थीटा मस्ट बी जीरो। m से m कैंसिल v स्क्वायर की जगह मैं लिख दो gl इंटू वन माइनस टू cos थीटा अपॉन l माइनस g cos थीटा मस्ट बी जीरो। तो l से l कैंसल्ड g भी थ्रू आउट कैंसल्ड दिस बिकम्स वन माइनस थ्री cos थीटा मस्ट बी जीरो और cos थीटा मस्ट बी वन बाय थ्री और थीटा मस्ट बी cos इनवर्स ऑफ वन बाय थ्री। अब जो ने पूछा है एंगल ऑफ रोटेशन एंगल ऑफ रोटेशन वह कितना एंगल रोटेट कर गया। दिस इज द एंगल ऑफ रोटेशन इट्स पाई माइनस थीटा इट्स पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ वन बाय थ्री। दिस इज द एंगल बाय विच इट रोटेटेड। बड़े ध्यान से पूरे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देखिए। 56th problem.
इधर एक बात हमेशा ध्यान रखें, जब हमने पी एनजी और एनवी स्क्वायर एल को लिखा, फिर रिजॉल्व किस डायरेक्शन में करा जाए, हमें फोर्सेस को रिजॉल्व अलोंग द टेंशन और परपेंडिकुलर टू टेंशन मींस अलोंग रेडियल और टेंजेंशियल रिजॉल्व करना चाहिए या वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में रिजॉल्व करना चाहिए। ध्यान रहे जो हमसे प्रॉब्लम पूछा गया है, स्ट्रिंग के स्लैक होने की कंडीशन पूछी गई है, और स्ट्रिंग के स्लैक होने की कंडीशन जो है दैट इज टेंशन इज इक्वल टू जीरो। हमें टेंशन को जीरो करना है, और जब हमें टेंशन को जीरो करना है तो हमें किसी भी तरह से टेंशन को रिजॉल्व नहीं करना। इसका मतलब यदि टेंशन को रिजॉल्व नहीं करना है, इसका मतलब वन ऑफ द एक्सेस मस्ट बी रेडियल एंड अनदर मस्ट बी टेंजेंशियल, मतलब हमें सारी फोर्सेस को रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन में रिजॉल्व करना, तभी हम इस कंडीशन को आसानी से लगा पाएंगे। यदि हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन ले लिया तो हमको टेंशन को ही रिजॉल्व करना पड़ जाएगा, फिर तो हम पूरी तरह से प्रॉब्लम में उलझ जाएंगे। तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस प्रॉब्लम को कभी भी नहीं करा जाए। ऐसा नहीं है कि एनजी को ऐसा कैसे रखते हुए आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और टेंशन को रिजॉल्व करो, बिल्कुल गलत मेथड हो जाएगा, हम उलझते रह जाएंगे। तो बेटर इज कि एमजी को रिजॉल्व करा जाए, टेंशन की यह इक्वेशन बनाई जाए और फिर टेंशन को जीरो करा जाए। फिफ्टी एट प्रॉब्लम में चलिए मैं थोड़ा लॉजिक पहले बताता हूं, प्रॉब्लम को एक बार मैं करने का तरीका भी बता देता हूं, फिर एक बार आप कोशिश करना। अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ एल हैविंग अ बॉब ऑफ मास एम इज डिफ्लेक्टेड एट इट्स रेस्ट पोजीशन बाय एन एंगल थीटा एंड रिलीज द स्ट्रिंग हिट्स द पेग व्हिच इज एट अ डिस्टेंस एक्स। जैसे इधर से एक्स नीचे एक पेग है और इधर से एक तरीके से एक जो कील है वह बाहर की तरफ निकल रही है, क्या होगा? दिस इज एक्स बिलो द सस्पेंशन एंड दिस इज लेंथ एल। The bob starts going in a circle centered at peg, assuming that initially bob has a height less than the peg so that maximum height raised by the bob is equal its initial height. If pendulum is released with theta equal to 90, x equal to L by 2, find maximum height raised by the bob above its lowest position before the string becomes slack. Find the minimum value of x by L for which bob goes in complete circle about the peg when pendulum is released from theta equal to 90. देखिए यह motion होगी कैसी, वहां मैं motion जरूर बना दू। Initially यदि ऐसी situation है तो यह इस तरह से जाते हुए इधर तक आएगा और इधर आने के बाद यह रस्सी अटक जाएगी और फिर इधर अटकने के बाद यह इस तरह से सर्कुलर मोशन में जाने लगेगी और फिर इस तरह और इस तरह दिस वुड बी द टिपिकल मोशन। मैं
मैंने यह ड्रॉ करी है अलग अलग सिचुएशन अलग अलग इंस्टेंट, यह इस तरह से नीचे गिर रही है और इधर यह रस्सी अटक जाने के बाद इसके अबाउट सर्कुलर मोशन होने लगी। 58 में इस सिचुएशन को बड़े ध्यान से देखकर समझकर अब 58 प्रॉब्लम पर अटेम्प्ट लगाना चालू करो। चलिए 58 प्रॉब्लम को मैं डिस्कस करवाता हूं। अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ है। सबसे पहला ए, अस्यूमिंग दैट इनिशियली बॉब हैज अ हाइट लेस देन द हाइट ऑफ पेग सो दैट द मैक्सिमम हाइट रेज्ड बाय द बॉब इज इक्वल टू इनिशियल हाइट। अब यदि इनिशियली यह बॉब किसी हाइट h पर होता तो हमें यह बताना है कि यह इधर से तक जाएगा और मैक्सिमम इधर आने पर भी इसकी हाइट एच ही रहेगी। हम कहेंगे इस बात को प्रूव करना बड़ा सिंपल है, एनर्जी कंजर्वेशन। हम इस सिचुएशन में यह कहेंगे कि इस जगह पर पार्ट ए में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एम जी, एच यर एच इज लेस देन एल माइनस एक्स। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो जीरो एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज एम जी एच डैश। इनिशियल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल मस्ट बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। दिस जीरो प्लस एम जी एच इज इक्वल टू जीरो प्लस एम जी एच डैश इफ दिस एच डैश एंड विच प्रूव्स दैट H must be equal to H dash। यह तो A part हो गया। If the pendulum is released with theta equal to 90 degree and x equal to L by 2, find the maximum height reached by the bob above its lowest position before the string becomes slack। मैं A part को पूरी तरह से साफ करूंगा या चलिए मैं शायद इस स्पेस में कर सकूं। मैं अब यह सारी कंडीशंस बनी रहने के बजाय मैं सिर्फ स्ट्रिंग के स्लैक होने वाली सिचुएशन वह ड्रॉ करता हूं और इनिशियल और फाइनल कंडीशन सिर्फ मैं सिर्फ यह इनिशियल कंडीशन ड्रॉ रहने देता हूं। वह इधर तक आया और फिर मान लीजिए इधर स्लैक हुआ, दिस इज एल बाय टू एंड दिस ऑल्सो एल बाय टू। इनफैक्ट मैं एक बार और फिगर बना ही दूं इस सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए। द पेंडुलम बॉब इज टाइड एट दिस एंड और इसकी आधी दूरी पर यह L by 2 यह गिरते हुए ऐसे जाएगा, इधर तक आ जाएगा, इधर यह अटक जाने के बाद फिर ये ऐसे घूमते हुए इस पाथ में जाएगा
और इधर अटकने के बाद यह कहीं इस पोजीशन पर वर्टिकल से थीटा एंगल तक आएगा और इधर स्ट्रिंग स्लैक हो रही है। तो मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूं, इधर लिख रहा हूं MgL, MgL और इधर रहा हूं Mg इंटू L, L बाय टू प्लस L बाय टू cos थीटा प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, जो कि वेलोसिटी इस कंडीशन पर। अब मैं सॉल्व करता हूं एम जी एल बाय टू बचा इंटू वन माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। एमजीएल बाय टू कैंसल्ड और एमजीएल बाय टू बचा माइनस एमजीएल बाय टू कॉस थीटा। तो अब मैं एम से एम काट टू से बाय टू काट देता हूं और इधर हो गया वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एल इंटू वन माइनस यह वेलोसिटी स्क्वायर हो गया। अब बी पार्ट सॉल्व कर रहा हूं ये मैं, ये इस कंडीशन पर इसकी वेलोसिटी भी हुई। अब वंस अगेन स्ट्रिंग के स्लैक होने की कंडीशन हम इसके पहले वाले प्रॉब्लम में भी डिस्कस कर चुके थे, उसी को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। इधर mg, इधर एम वी स्क्वायर अपॉन एल बाय टू और इधर टेंशन टी। इफ स्ट्रिंग स्लैक्स टेंशन टी मस्ट बी जीरो एंड एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन एल बाय टू। तो इस कंडीशन को मैं लगा देता हूं जी कॉस थीटा इज इक्वल टू टू बाय एल वी स्क्वायर की जगह जी एल इंटू वन माइनस कॉस थीटा। तो जी से जी कट गया, एल से एल कट गया और इधर हो गया कॉस थीटा इक्वल टू माइनस टू कॉस थीटा, थ्री कॉस थीटा हो गया और कॉस थीटा इक्वल टू टू बाय थ्री। अब इफ द पेंडुलम इज रिलीज्ड फाइंड द मैक्सिमम हाइट रेज्ड बाय द बॉब अबाउट इट्स लोएस्ट पोजिशन बिफोर द स्ट्रिंग बिकम्स स्लैक। तो इस जगह पर जो हाइट है एच डबल डैश बोल देता हूं, दिस हाइट एच डबल डैश वुड बी एल बाय टू प्लस एल बाय टू कॉस थीटा, एल बाय टू प्लस एल बाय टू कॉस थीटा। सो दिस हाइट एच डबल डैश इज कॉस थीटा की जगह टू बाय थ्री, तो एल बाय टू इंटू वन प्लस टू बाय थ्री, वन प्लस टू बाय थ्री एल बाय टू इंटू फाइव बाय थ्री। सो दिस इज एच डबल डैश इज फाइव एल बाय सिक्स, इस मैक्सिमम हाइट तक वहां पहुंचेगा। अब इसके बाद सी पार्ट, सी पार्ट सोचने के लिए फिर वापस मैं आपको कुछ समय देता हूं।
क्या आप सोचेंगे इसी समय? तो कर ही दो उसको भी. फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स बाय एल फॉर विच बॉब गोस इन कंप्लीट सर्कल अबाउट द पेग व्हेन पेंडुलम इज रिलीज फ्रॉम 90 डिग्री. देखिए सपोज दिस इज एक्स, ये एल बाय टू की जगह पर दिस एक्स, तो यह हो जाएगा एल माइनस एक्स. अब मैं एनर्जी कंजर्वेशन से लिखूंगा एम जी एल इज इक्वल टू इस पॉइंट पर, या फिर टॉप मोस्ट पॉइंट पर अब जो एनर्जी आएगी वह कहीं इधर पैक होएगा और यह घूमकर इस तरह से इधर कहीं आएगा. तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर अब जो एनर्जी लिखूंगा एम जी इधर से एल माइनस एक्स ट्वाइस ऑफ एल माइनस एक्स. ट्वाइस ऑफ एल माइनस एक्स प्लस हाफ एम वी स्क्वायर टॉप मोस्ट पॉइंट पर. यह टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी हुई और इस वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन हम बिल्कुल सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं. वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एल माइनस टू जी एल माइनस एक्स इधर टू और इधर फोर हो गए. तो यह हो गया फोर जी एक्स माइनस टू जी एल. यह वेलोसिटी स्क्वायर इस पॉइंट पर हुआ. अब स्ट्रिंग स्लैक नहीं करे इसके लिए हम कहेंगे हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी. हाफ सॉरी एम वी स्क्वायर बाय आर एम वी स्क्वायर बाय एल माइनस एक्स मस्ट बी इक्वल टू एम जी. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स. यह स्ट्रिंग के जस्ट स्लैक करने की कंडीशन होगी जब टेंशन जीरो होगा. अब मैं इधर यह वी स्क्वायर लिख देता हूं एम से एम कैंसल्ड वी स्क्वायर की जगह फोर जी एक्स माइनस टू जी एल इज इक्वल टू जी एल माइनस जी एक्स. इस टर्म को इधर ले लू इस टर्म को इधर ले लू तो फाइव जी एक्स इज इक्वल टू थ्री जी एल जी से जी कैंसल्ड एक्स अपॉन एल एक्स अपॉन एल इज इक्वल टू थ्री बाय x upon L is equal to 3 by 5. For this, the pendulum bob would go just finish the circle. 58, बिल्कुल सही. आज के दिन मैं इस सेशन में इतने ही प्रॉब्लम डिस्कस कराता हूं. अगले मैं डिस्कशन का एक और राउंड रखूंगा जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन पर मैं हाफ एन आवर डिवोट करूंगा. हाफ एन आवर और 40 मिनट्स जो भी कुछ आपके बचे हुए डाउट होंगे रिडॉक्स रिएक्शन में वह पहले सॉल्व कर दूंगा और फिर अगले दो ढाई घंटे में वर्क पावर एनर्जी यही डाउट्स डिस्कस करवाऊंगा. कल मंडे है, कल के दिन आप लोगों का लेक्चर है और मेरा यदि लेक्चर है तो उसमें मैं केमिकल इक्विलिब्रियम का फुल एंड फाइनल डिस्कशन करवा दूंगा. कल के दिन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टडी पैकेज के कंप्लीट डिस्कशन के साथ पैकअप करने की कोशिश करूंगा और फिर उसके बाद वाले मेरे लेक्चर में मैं आयोनिक इक्विलिब्रियम कंटिन्यू कराऊंगा. और
अब इसके बाद हमारा रनिंग टॉपिक सिर्फ आयनिक इक्विलिब्रियम रहेगा, कल के दिन हम केमिकल इक्विलिब्रियम फिनिश कर देंगे और नेक्स्ट संडे को हम रेडॉक्स सेक्शन भी फिनिश कर देंगे और WPE भी फिनिश कर देंगे। WPE का स्टडी पैकेज भी आप पूरा कर लीजिएगा, जो जो डाउट्स होंगे आपके सॉल्व कर देंगे। आज के दिन हम इतना ही करते हैं, कल इसका मतलब लेक्चर है 4 बजे से, ठीक है ना। और कौन कौन से लेक्चर हैं अभी डिक्लेयर हो जाएगा थोड़ी देर में।